बताइए क्या बात है सरपंच जी। कुछ नहीं मुखिया जी, गांव का क्षेत्र पास आ गया है। हर साल आपके नेतृत्व में ही सब कुछ होता रहता है, इस बारे में ही बात करने के लिए आया था। अरे इसमें बात करने के लिए क्या है सरपंच जी, हर साल से भी ज्यादा इस साल बहुत धूमधाम से करेंगे। उसके लिए जिसकी भी जरूरत है सारी व्यवस्था कर देंगे, समझ रहे हो ना नीता? हाँ सर आया। चेक दो। ठीक है ना जी? अरे कौन है यार ये लड़की ब्यूटी? ओ, ये तो कॉलेज की ब्यूटी है यार, लेकिन बहुत ही ज्यादा नॉटी है। हाँ हेलो, क्या कर रहे हो यार? यार जूम करके उसकी ब्यूटी का मजा ले रहा हूँ। अरे इतना दूर से जूम करके क्या करने वाले हो, चलो उसके पास जाकर। चला जा। अरे बाप रे बाप। अबे नालायक कहीं, इससे पहले आज तक तूने लड़की को शॉर्ट्स में नहीं देखा क्या? औरतों की इज्जत करनी आनी चाहिए, ये सब नहीं। सॉरी ब्रो, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, समझ गया ना? चल। छी, ऐसे लोगों के होने की वजह से हम लड़कियों को आने जाने में दिक्कत होती है। हेलो हेलो रक्षिता मैडम जी, कूल डाउन कूल डाउन। आपको एक बात बोलूं क्या मैं? क्या है? आप जैसी लड़कियां जब इस तरह की ड्रेस पहनती है ना, तो मेरे जैसे लड़कों को रात भर नींद नहीं आती। सबसे पहले तो आप इस ड्रेस को बदलिए, उसके बाद सारी चीज खुद पे खुद ठीक हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लड़की खुद ही ठीक नहीं है, और दूसरों को सलाह देने के लिए निकली है। संजय, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, कॉलेज तक ड्रॉप कर दोगे क्या? हाँ ठीक है, चलो चलो। तुम्हें देखते ही ऐसे जकड़ के पकड़ लूं ऐसा दिल करता है। हाँ धड़ो, तुम जानती हो ना मैं सिर्फ और सिर्फ राजनी से लव करता हूँ। अरे पूरा कॉलेज मुझे ब्यूटी क्वीन कहता है, सिर्फ तुम ही मुझे पसंद नहीं करते हो। मैं एक बार किसी लड़की के साथ प्यार में आ जाता हूँ ना, तो जिंदगी भर उसके साथ रहता हूँ। कोई भी लड़की अच्छा रिस्पांस नहीं देती है, सबके सब रॉन्ग रिस्पांस देते हैं। यार अगर किसी भी लड़की से अच्छा रिस्पांस चाहिए ना, तो पॉकेट में पैसा चाहिए, नहीं तो कम से कम सिक्स पैक चाहिए। क्या यार मेरे पास सिक्स पैक नहीं है? नहीं नहीं तेरे पास सिक्स पैक नहीं, टू पैक्स है। और इसे देख के कोई प्यार नहीं करता, सब पैसा देखते हैं। क्या बात है, जो बात मुझे नहीं पता वो तुम्हें पता है। अरे मैंने तो बहुत जानकारी रखी है, शाम को आ जाओ मेरे पास, ट्यूशन दे दूंगा तुम्हें। अरे वहाँ देखो संजय आ गया। अरे यार संजय की किस्मत तो ऑलरेडी अच्छी है, और उसके साथ में भी लड़की आ जाती है, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है यार। थैंक यू संजय। वेलकम। टचिंग टचिंग। बाय। ये भी ना। नमस्कार एमएलए साहब, नमस्कार। वैसे मेरा बुक किधर है? ये रही बुक, लेकिन अब बुक की जरूरत क्या है? तुम राम हो या श्री कृष्ण, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों भाई? एक बार पूछा तो रागिनी सब कुछ है, फिर रागिनी को छोड़कर और कोई नहीं है, ऐसा बोलते हो, लेकिन आज देखा तो तुम रक्षिता के साथ में टचिंग और हगिंग सब कुछ उसके साथ कर रहे हो तुम। अरे जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अरे रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, उसने ड्रॉप के लिए पूछा तो मैंने ड्रॉप कर दिया, बस और क्या, और कुछ नहीं।
ठीक है भाई छोड़ो। संजू देख तुम्हारी रागिनी जा रही है। यार आई विल कम बैक इन 5 मिनट्स। ओके रुको। ठीक है ठीक है। हे रागिनी। ओ मेरे दिल की रानी। ए सुन बाद में मिलते हैं। हाँ हाय रागिनी, मुझे लगता है तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, अभी तक तो कर लेती हो। ओह मैडम वैसे इतना गुस्से में क्यों है, क्या मैं जान सकता हूँ? पहले अपना हाथ हटाओ, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। क्या मतलब इसका क्लास है? मेरा क्लास नहीं। अरे यार क्या हुआ? अजीब लड़की है यार, मैंने इतनी बात करने की कोशिश की उसने जवाब ही नहीं दिया। यार ये लड़की ना एक हिसाब से अपनी जान को खाने वाली होती है, कौन से वक्त कौन से कलर में बदल जाती है कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे छोड़ दो। ठीक है चलो क्लास का टाइम हो गया यार। चलो चलो, चलो कम से कम क्लास तो चले। रागिनी रुको ना। रागिनी हम रोने वाले बच्चे को शांत कर सकते हैं लेकिन जो गुस्से में हो जाए उसे शांत नहीं कर सकते। रागिनी ऐसा क्यों कर रही हो बताओ ना मुझे, रात से तुम्हें कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ उसका जवाब तक नहीं दे रही हो तुम, बताओ ना मुझे हो क्या रहा है, जवाब दो ना, क्या चल रहा है, क्या हो गया है? ए रागिनी देख संजय किसी लड़की के साथ बाइक पर आया है, तू जानती है? थैंक यू संजय। वेलकम। ये लड़के लोग ऐसे ही होते हैं, लव में आने के बाद तू ही सब कुछ है ऐसा बोलते हैं और जैसे ही दूसरी लड़की आ जाती है पहली वाली की कोई वैल्यू ही नहीं होती उनकी लाइफ में। पहले इसके लिस्ट में रागिनी थी, अब उस लिस्ट में रक्षिता है, ऐसा ही है। कहाँ? इतना काफी है या और कुछ चाहिए? देखो संजय तुम्हें कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ उसके साथ दोस्ती मत किया करो, जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो मेरे साथ है और अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, प्लीज समझा करो, मेरा पीछा मत करो। रागिनी रुको, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं, उसकी रास्ते में कॉलेज आते हुए गाड़ी खराब हो गई थी, उसने ड्रॉप करने के लिए पूछा तो मैंने ड्रॉप कर दिया। कल ड्रॉप करने के लिए बोला था तुमने नहीं किया ना, कल तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो इसकी कोई गारंटी है? रागिनी देखो एक रिलेशनशिप में ना कभी डाउट नहीं होना चाहिए, जब एक अच्छे रिलेशनशिप में डाउट आ जाता है ना तो वो रिलेशन जल्दी खत्म हो जाता है, प्लीज रागिनी समझा करो ना। मैं तुमसे बहुत पहले ही दूर हो चुकी हूँ संजय, प्लीज अब मेरा पीछा करना बंद करो, भूल जाओ मुझे। क्या बात है बच्ची, ये हाथ में लेकर क्या आई हो? मैं फर्स्ट क्लास से पास हो गई हूँ इसलिए आप सबको स्वीट खिलाने आई हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, ये जरा अपने मुंह में रखो। ये लो इसे रखो, भविष्य में तुम्हें कुछ भी सहायता चाहिए तो मुझसे आकर मिलो, है ना बच्चा? ठीक है अंकल मैं आती हूँ। सही, भगवान को रख के बेटा। चलिए दादाजी चलते हैं। चलिए चलिए फिर मिलते हैं। संजय संजय, अरे संजय, अरे उसे क्यों बुला रहे हो, कहीं होगा ना वो आ जाएगा। आहा अरे बाप रे कैसी बीवी है, कैसा बेटा है, देखो देखो उसे छोटी बच्ची को फर्स्ट क्लास में पास होकर मुझे मिठाई लाके खिलाई। आप अपने बेटे को हमेशा ही गाली देते रहते हो। तो और क्या करूं, एक ही बेटा है, बोल के लाड में पालने की वजह से वो बाहर ही पड़ा रहता है, कॉलेज में भी ठीक से नहीं जा रहा है और पढ़ाई भी नहीं करता है, उसके भविष्य की जिंदगी का सोचेंगे तो भगवान ही जाने। ठीक है वो सब छोड़िए, बहुत डांट लिया, आरती ले लीजिए। हाँ तुम्हारी वजह से वो बिगड़ता जा रहा है, सब कुछ बेकार है। क्या चाहिए सर? 1,00,000 रुपए कैश दे दो ना यार। अभी ये तुझे अभी तक चढ़ी नहीं है, कुछ भी बोलता है,
ए, तुम्हारे ढाबे में स्पेशल क्या है ये बताओ मुझे। चिकन आइटम है सर, क्या ला दूं? अच्छा, एक काम करो, चिकन में एक दो डिश अच्छी लेकर आओ, जाओ। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है जी। यार अपनी जिंदगी बेकार है बिल्कुल, और इस बेकार जिंदगी की वजह ये लड़की ही है, और इसकी एकमात्र दवा ये दारू है, समझे? अरे यार चुप रहो यार, ज्यादा पाठ मत सिखाओ तुम। क्यों, क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? यार एक बात बोलूं, मैं एक एमएलए का बेटा हूं यार, मेरे लिए पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिंदगी में चैन नहीं है साला। अरे यार अभी तो इतनी दारू भी नहीं पी तूने, फिर ऐसे बेवड़े जैसे कैसे बात कर रहा है यार? यार मैं करूं क्या ये बता, इस सर में ना ठीक से पढ़ाई घुसती नहीं है, ना मेरे पिताजी की ख्वाहिश पूरी हो रही है। ए, जैसे पति पत्नी के बीच सुई को लेकर झगड़ा होता है ना, ऐसे हम दोनों के बीच जब झगड़ा होता है ना, मेरी माँ फंस जाती है यार। कॉलेज में किसी तरह रागिनी को पटाया था अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए, लेकिन रक्षिता के आने की वजह से वो भी धतास्तु कहकर निकल गई। वो लाश को नया कपड़ा पहना के रोते है ना, बिल्कुल ऐसे ही हो गई मेरी। अरे पहले दारू पियो यार। राग बोला तो राग, रागनी रक्षिता, रागनी नहीं तो रक्षिता, रक्षिता नहीं तो रमैया। नहीं नहीं, तुम रक्षिता से लव करो, ये सही रहेगा। अरे यार तू तो रैप स्टार निकला यार। अच्छा भाई एक हाइब्रिड कार्ड दो। और कुछ मेरे लिए भी बोलना? अरे तुमने कुछ पूछा ही नहीं यार। अरे तू जाया। अच्छा जो भी तेरे दिल में तू बोल दे। रागनी अभी आएगी यहाँ, और हमारे आगे का सफर वहीं से शुरू करेंगे, बस स्टॉप से हम लोग वहाँ जाएंगे। ब्रो वो चैप्टर अभी खत्म हो गया, तू जाने दो उसे। इस चैप्टर में क्वेश्चन बचे बस। अरे इस लड़की को कान से सुनाई नहीं देता है, उसको लव नाम के तीरो को फूक फूक के चलाने का है, समझे क्या? चलो अब चलते हैं यार। जाओ क्या? जाना। स्टडी स्टडी। हेलो रागिनी मैडम, कॉलेज जाकर आ रही हो क्या? नहीं, शादी करके आ रही हूं। ऐसा क्या है रागिनी मैडम? वो मैं क्या बोलना चाह रहा था कि मैं जानती हूँ तुम क्या बात करने आए हो। प्यार के नाम पे हम लड़कियाँ तुम जैसे लड़कों को लव करती हैं, यही हमारी गलती है। तुम सड़क के कुत्ते हो। कुत्ता बोला इसने मुझे। नहीं रागिनी वो क्या है कि चप्पल उतार के मारूंगी, ये जगह खाली करो। एक छोड़ा। अरे रुकना। क्या बोला तुमने कि मैंने प्यार नहीं किया? एक हम जैसे लड़के ही होते हैं जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। तुम्हारा फोन पूरी रात बिजी आए, फिर भी लड़का ये सवाल नहीं पूछेगा कि तुम पूरी रात कहाँ बिजी थी। पता है क्यों? क्योंकि लड़का तुमसे प्यार करता है, और ऊपर से अगर हमारा फोन 5 मिनट भी बिजी आ जाए ना, तो तुम सवाल करती हो क्यों कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे। यही फर्क होता है लड़के और लड़कियों में, समझ गई ना? एक बार करके देखो, लव में शक कौन करता है, और जिन्हें अपने प्यार की कदर नहीं होती ना, ऐसा वो लोग करते हैं। वैसे मैं इस लड़के को लव नहीं करती हूँ, फिर भी ये लड़का मेरे पीछे घूम रहा है, ऐसा तुम अपनी फ्रेंड्स को कहती हो और लड़के को परेशान करती हो, है? और कॉलेज में वो लड़का तुम्हारे आगे पीछे घूमता है, और फिर ये कह के खत्म कर देती हो कि वो लड़का मुझसे प्यार नहीं करता। अगर तुमने मुझे छोड़ा ना, तो मेरे पास कमी नहीं है, बहुत लड़कियां हैं लव करने वाली मुझे, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो। समझ गई, तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मेरी जिंदगी में आएगी और आके रहेगी इस कॉलेज में, फिर देखना तुम मुझे। अरे तुम होती कौन हो मुझे ये बोलने वाली कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता है? अरे तुम मेरे लायक लड़की नहीं हो, समझ गई? लेवल नहीं अपना। मैं तुमसे एक आखिरी बात और बोल रहा हूँ, कब्रिस्तान में जाके लाश के ऊपर बैठ के रोने से कितने भी आंसू बहाए सब वेस्ट है। तुम जैसी शक करने वाली लड़की को कितनी भी सच्चाई से प्यार करें, वो भी वेस्ट है। यार एक बात बोलूं,
ये लड़कियां कभी प्यार नहीं करते, हम जीप उठाते हैं और कहीं लंबी ड्राइव पर चलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है, चल। कंट्री, ये जो लड़की और दारू दोनों एक ही है, लड़की के पीछे अपन गिरते हैं और दारू पी के मरते गुरु, हैं। वो जो लड़की है और दारू, स्मूथ है यार, शुरुआत में जल्दी करने का और अंत में आराम से करने का। ये जो कॉलेज लाइफ है अंडे देने वाली मुर्गी जैसी है, अंडे को हाफ बॉइल भी बना सकते हैं और आमलेट भी। अरे क्या बात कर रहा है यार, एकदम हमारी लाइफ गर्न पॉइंट पे रहती है, लड़कियों पे पैदा नहीं होना चाहिए, ये जमीन पे गिरने जैसा है। ये सृष्टि की रचना जब से हुई है धरती और लड़की एक जैसे ही हैं, किसी को भी आप समझ नहीं सकते हैं कब पलटी मार जाएं। हेलो, भरतपुर पुलिस स्टेशन। अरे चंद्रे एमएलए बात कर रहा हूँ, आप कौन है भाई? मैं सतीश बोल रहा हूँ सर। ठीक है, आपके साहब को जरा दो, किसी केस के सिलसिले में वो बाहर गए सर। अरे बाप रे, ठीक है एक काम करो, जैसे ही वो शहर में आते हैं तुरंत मुझे फोन करने के लिए तुम उन्हें बोलो। ओके सर। कौन है यहाँ पर, देख जरा। शिव मार्ग को देख के तो ऐसा लगता है कि ये जो नया इंस्पेक्टर आया है रविशंकर, वही है यहाँ पे, वो यहाँ पे यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। चलो चलो। क्या बात है रे, गांजा वांजा पीकर रोड पर चलने वाले हर इंसान को तुम परेशान करते हो, तुम जैसे लोग को तो पैदा होना ही नहीं चाहिए। अरे मारे, अरे मारे, अरे अरे मत मार,
अबे इंदु कुमार, ऐसे मारेगा तो ये जी पाएगा क्या? अरे ये भी तो इंसान ही है ना, रस्सी खोलो। ओके सर। दर्द हो रहा है क्या? हाँ सर। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ सर। जाओ स्टेटमेंट ले लो। यस सर। सर एमएलए सर का फोन आया था। क्या बोले थे? आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है ऐसा बोल रहे थे। एनीथिंग सीरियस? यस सर। ओके।